रहीम, मेरा नाम है सुलेमान कादिर और मैं अब्दुल कादिर क्रिकेटर का बेटा हूं और तकरीबन 7-8 साल से मैं क्रिकेट एकेडमी को देख रहा हूं, जो कि मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और यहां पर हम बच्चों को कोचिंग कराते हैं। आए आपको दिखाते हैं कैसे कोचिंग होती है। सबसे पहले ये हमारे पास छोटे बच्चों के नेट्स हैं। छोटे बच्चे हम लोग पहले 3 नेट्स में छोटे बच्चों को रखा हुआ है, उसके बाद फिर बड़े बच्चे आ जाते हैं 3-4 नेट्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें सेफ्टी। बच्चों के लिए सेफ्टी सेफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। हमारी कोशिश होती है इनको हार्ड बॉल से कराया जाए। अगर बिल्कुल कोई बच्चा न्यू है तो उसको फिर टेनिस बॉल, टेप बॉल, देन प्रैक्टिस बॉल, उसके बाद हम उसको हार्ड बॉल पर लेकर आते हैं। हमारे पास तकरीबन रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं वो तकरीबन 150 हैं, और लेकिन रोज़ाना तकरीबन 70-80 बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को भेजें प्रैक्टिस के लिए, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आप ये टैब, लैपटॉप, मोबाइल से आपके बच्चे की जान छूट जाएगी और एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ वो आ जाएगा। तो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें और क्रिकेट सिखाएं बच्चों को। हाइटेड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हम उनको भी ले लेते हैं। तो 7 साल से ऑनवर्ड जो है तकरीबन 19-20 साल तक के बच्चों को हम लेते हैं, फिर उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम उसकी बेसिक्स पे काम करते हैं। जैसे कोई बैट्समैन है तो उसकी कोशिश होती है हमारी कि उसके पास स्टांस पे काम किया जाए, उसकी बैट ग्रिप पे काम किया जाए, ताकि वो इन फ्यूचर वो अच्छा एक प्लेयर बन सके। जैसे फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर के लिए है कि हम लोग शुरू में कोशिश करते हैं उसके रनअप पर काम किया जाए कि उसका रनअप अच्छा हो, अप्रोच अच्छी हो उसकी बॉलिंग एंड तक के जाने की, उसके बाद जो है वो आगे उसके काम किया जाता है। इसी तरह जो बच्चा जिस कैटेगरी में आता है उसके हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कई बच्चे होते हैं वो हार्ड बॉल से नहीं खेल पाते हैं, उनको हम टेनिस बॉल से स्टार्ट करते हैं, टेनिस बॉल से टेप बॉल पर लेकर जाते हैं, टेप बॉल से वो प्रैक्टिस बॉल पर जाता है, प्रैक्टिस बॉल के बाद वो हार्ड बॉल के पर जाता है, उसके बाद वो प्रॉपर नेट्स में चला जाता है।